दोस्तों अभी के टाइम में 20,000 एक ऐसा बजट है जहां पर गाइज काफी अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहां पर अगर आप एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है, एक अच्छा कैमरा और एक अच्छा डिस्प्ले स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आज हमने सारा कुछ छोड़ दिया है, केवल गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर गाइज स्मार्टफोन्स जितने ज्यादा हो जाते हैं कन्फ्यूजन भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हमने 4 ऐसे अल्टीमेट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन्स पिक किए हैं जो आपको एक नेक्स्ट लेवल का गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। साथ ही परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। तो अगर आप 20,000 के बजट प्राइस में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, काफी मजा आएगा। साथ ही एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन आप यहां से पिक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो मेरे दोस्त वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लेना। तो चलो यार वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में गाइज हमने 4 स्मार्टफोन्स को पिक किया है एंड अपनी जगह पर गाइज इन सभी स्मार्टफोन्स को एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन भी मान सकते हैं। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर हमने कुछ स्पेक्स और परफॉर्मेंस को देखते हुए इन स्मार्टफोन्स को रैंकिंग किया हुआ है और हमारी इस रैंकिंग को देखते हुए इन्फिनिक्स 05G हमारे इस कलेक्शन में नंबर 4 पर आता है। अगर गाइज आपका बजट 18,000 है और आप इससे एक पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, साथ ही इसी बजट में आप एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हैं तो इन्फिनिक्स 05G आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए चलकर थोड़ा इसके मेन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पर गाइज आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का 5G चिपसेट मिलने वाला है जो की अपनी जगह पर काफी तगड़ा चिपसेट है एंड ये चिपसेट 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है। साथ ही एंटेंटु स्कोर यहाँ पर आपको 4,70,000 के आसपास देखने को मिलता है जो की बहुत ही अच्छा हो जाता है। साथ ही ये चिपसेट 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल गाइज इस चिपसेट के चलते आप काफी नेक्स्ट लेवल की गेमिंग यहाँ पर कर पाएंगे, कोई भी मेजर इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं इसके मेन हाईलाइट फीचर की तरफ। तो यहाँ पर गाइज आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइज आप रियर कैमरे से 4K तक की क्वालिटी 30fps के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही 1080p 60fps के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे को लेकर बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है जिसके चलते गाइज आप 1080p 30fps के साथ इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा क्वालिटी को लेकर बात करें तो काफी अच्छा और तगड़ा कैमरा क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.8 इंचेस का फुल HD IPS LTPS डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज के हाई एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर गाइज आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है जो गेमिंग में आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देने में हेल्प करेगा। एंड यहाँ पर गाइज आपको 500 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा जो आपको ओवरऑल काफी अच्छे लेवल का डिस्प्ले यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में काफी मदद करेगा। यहाँ पर गाइज आप इसे आउटडोर भी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। बैटरी को लेकर बात करें तो यहाँ पर गाइज आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है एंड इसी को चार्ज करने के लिए 33 वाट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आप इस चार्जर से इस स्मार्टफोन को लगभग 1.5 घंटे के अंदर फुली चार्ज कर पाएंगे। बैटरी बैकअप भी गाइज आपको इस स्मार्टफोन में काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा इसके एक्स्ट्रा फीचर्स भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड अलग से इंसर्ट कर सकते हैं। सिंगल बॉटम स्पीकर आपको मिल जाता है जो काफी लाउड है, लेकिन यहाँ पर गाइज आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर तो मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिल पाता है। सिक्योरिटी के तौर पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होने वाला है एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर रन करने वाला है। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर गाइज ये स्मार्टफोन आपको एक अकेले वेरियंट के साथ मिलता है, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, और यहाँ पर इस वेरियंट के लिए आपको 18,000 रुपए देने होंगे। टोटली बात करें तो यहाँ पर गाइज आपको 18,000 की कीमत में एक दमदार चिपसेट, एक क्लीन कैमरा सेटअप जिसके जरिए गाइज आप 4K तक का क्वालिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक अच्छा डिस्प्ले, साथ ही एक अच्छा बैटरी लाइफ आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर गाइज आपको इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी पूछना हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चलिए बात करते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन के बारे में। नंबर 3 पर हमने जो स्मार्टफोन लिया है गाइज, 2 से 3 दिन पहले वो स्मार्टफोन आपको 15,000 की कीमत के अंदर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी के टाइम में कुछ ऑफर्स हैं जो वहां से हटा दिए गए हैं और अब ये स्मार्टफोन आपको 17,000 की रेंज में देखने को मिल रहा है। Realme 9 से 5G हमारे इस लिस्ट में 3rd नंबर पर है। चलिए जल्दी से इसके मेन हाईलाइट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पर गाइज आपको स्नैपड्रैगन 778G तक का हाई सपोर्टेड चिपसेट मिलने वाला है जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड होने वाला है। साथ ही यहाँ पर एंटेंटु स्कोर को लेकर बात करें तो 5,40,000 के पास आपको एंटेंटु स्कोर देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छा नंबर है। एंड साथ ही ये चिपसेट 5 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल गाइज यहाँ पर आप इस चिपसेट के चलते काफी स्मूथ और मजेदार
एएसआर गेमिंग यहाँ पर कर पाएंगे। कैमरा क्वालिटी को लेकर बात करें तो 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर गाइस आप रियर कैमरे से 4K तक का क्वालिटी 30 fps के साथ इजीली रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड बात करें सेल्फी कैमरे से लेकर तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसके चलते गाइस आप 1080p 30 fps के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर गाइस आपको 6.6 इंचेस का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 144 हर्ट्ज के हाई और फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिल जाता है। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर गाइस आपको पांडा ग्लास डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो आपको गाइस डिस्प्ले को लेकर कोई भी शिकायत होने वाली नहीं है, काफी अच्छी डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बैटरी को लेकर बात करें तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए 30 वाट का डार्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चलिए बढ़ते हैं इस फोन के एक्स्ट्रा फीचर की तरफ। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ आता है, साथ ही यहाँ पर आप 2 SIM और 1 memory card इंसर्ट कर सकते हैं। 5 GB तक का वर्चुअल रैम बढ़ाने का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। एंड फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस को लेकर। तो अभी के टाइम में गाइस अगर आप 6128 वाला वेरियंट परचेस करते हैं तो यहाँ पर गाइस आपको 18,000 रुपए पे करने होंगे, और अगर आप 8128 वाला वेरियंट परचेस करते हैं तो उसके लिए आपको 21,000 रुपए पे करने होंगे। यहाँ पर कुछ ऑफर्स भी हैं जो आते जाते रहते हैं, तो उससे गाइस प्राइस थोड़ा इधर उधर हो सकता है। एंड यहाँ पर गाइस इस स्मार्टफोन के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ। नंबर 2 पर हमने जो स्मार्टफोन लिया है गाइस, गेमिंग के मामले में ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा। एंड साथ ही गाइस आपको एक अच्छा कैमरा क्वालिटी यहाँ पर ये स्मार्टफोन देता है, और इसी के साथ एक अच्छा और हाई क्वालिटी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, जिस पर गाइस आप काफी स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं। तो IQ G5 5G हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। चलिए चलकर थोड़ा इसके मेन हाईलाइट फीचर्स जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस। यहाँ पर गाइस आपको एक दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट मिल जाता है। साथ ही ये चिपसेट 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है, एंड 570,000 के आसपास यहाँ पर आपको एंतु स्कोर देखने को मिलने वाला है। तो एंतु स्कोर जो काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है, तो गेमिंग में गाइस आपको बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप 4GB तक का वर्चुअल रैम भी बढ़ा सकते हैं, एंड ये चिपसेट 2 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। तो गेमिंग में गाइज आप इजीली किसी भी तरह का गेम यहाँ पर रन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके कैमरे की तरफ। तो यहाँ पर गाइज आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर गाइज आप रियर कैमरे से 4K तक का क्वालिटी 60 fps के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही 1080p 60 fps के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करें इस फोन के सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है, जिसके चलते गाइज आप 1080p 30 fps के साथ इजीली रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर गाइज आपको वाकई में अच्छा मिलने वाला है। एंड बात करें इस फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाएगा, जो गेमिंग में आपको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने में काफी हेल्प करेगा। एंड यहाँ पर आपको 650 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, जो आउटडोर में भी गाइज आपको एक अच्छा कंटेंट प्ले करने में काफी मदद करेगा। एंड इस डिस्प्ले पर गाइज आपको पांडा ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। बैटरी को लेकर बात करें तो यहाँ पर गाइज आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी लाइफ मिलने वाली है, एंड इसी को चार्ज करने के लिए 44 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट आपको मिल जाता है। इस चार्जर के चलते गाइज आप लगभग 1 घंटे से 1.25 घंटे में अपने इस स्मार्टफोन को फुली चार्ज कर पाएंगे। एंड यहाँ पर इस फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलने वाले हैं, जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। साथ ही यहाँ पर आप 2 SIM कार्ड इंसर्ट कर पाएंगे, लेकिन कोई भी SD कार्ड यहाँ पर आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 3.5 mm का जैक भी अवेलेबल है। सिक्योरिटी के तौर पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होने वाला है, एंड ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर रन करने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस को लेकर। तो यहाँ पर गाइस आपको 8128 वाले वेरिएंट के लिए 20,000 रुपए पे करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर गाइस आपको 1000 से 1500 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिलता है, जिससे ये स्मार्टफोन आपको 18 से 19,000 के बजट प्राइस में देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर गाइस इस स्मार्टफोन से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर 1 स्मार्टफोन की तरफ। नंबर 1 पर हमने जो स्मार्टफोन लिया है गाइज, उसे आप इन बाकी के तीनों स्मार्टफोन्स का बाप कह सकते हैं।
परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। खास बात यह है कि यहाँ पर आपको 120 वाट का सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है। यहाँ पर गाइस गेमिंग करते करते अगर आपके फोन की बैटरी लो हो जाती है तो आप केवल 15 से 18 मिनट के अंदर आप इस स्मार्टफोन को फुल्ली चार्ज कर सकते हैं। तो ये इस स्मार्टफोन का मेन हाईलाइट फीचर है जो इस स्मार्टफोन को काफी जबरदस्त परफॉर्म करने में मदद करता है। Xiaomi 11i हाइपर चार्ज हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। चलिए जल्दी से इसके मेन फीचर्स जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। यहाँ पर गाइस आपको MediaTek Dimensity 920 का 5G चिपसेट मिलने वाला है जो इन सभी स्मार्टफोन्स को पीछे कर देता है। साथ ही ये चिपसेट 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है। साथ ही यहाँ पर आपको 4.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का अंतत्व स्कोर देखने को मिलता है जो काफी अच्छा नंबर है। यहाँ पर आपको 3GB तक का वर्चुअल रैम बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है और ये चिपसेट 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल गाइज यहाँ पर आप बहुत ही तगड़ा गेमिंग कर पाएंगे। कैमरे को लेकर बात करें तो यहाँ पर गाइज आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर गाइज आप रियर कैमरे से 4K तक का क्वालिटी 30fps के साथ इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही 180p 60fps के साथ भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। सेल्फी कैमरे को लेकर बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर मिल जाता है जिसके चलते गाइज आप 180p 30fps के साथ इजीली रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा भले ही गाइज आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है लेकिन उतना भी गाइज अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिल पाता है। तो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आप डिसेंट मान सकते हैं, ज्यादा अच्छा कैमरा क्वालिटी की उम्मीद बिल्कुल मत रखना इस फोन से। चलिए बढ़ते हैं इस फोन की डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस का फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज के हाई और फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही यहाँ पर आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा और खास बात यह है कि यहाँ पर आपको 1200 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है जो आपको आउटडोर में भी गाइज आपको इंडोर जैसा मजा देने वाला है। एंड यहाँ इस डिस्प्ले पर गाइज आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले, साथ ही एक प्रोटेक्टेड डिस्प्ले आपको मिल जाती है। बात करें इस फोन की बैटरी लाइफ के बारे में तो यहाँ पर गाइज आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है एंड इसी को चार्ज करने के लिए 120 वाट का सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है। यहाँ पर आप इस चार्जर से केवल आप 15 से 18 मिनट के अंदर फुल्ली चार्ज कर पाएंगे जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एंड चलिए जल्दी से इस फोन के एक्स्ट्रा फीचर्स भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन IP53 रेटेड होने वाला है जिससे हल्के फुल्के पानी से इस स्मार्टफोन को कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलता है जिसमें आप 2 SIM या फिर 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। 3.5mm का जैक भी अवेलेबल है। सिक्योरिटी के तौर पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होने वाला है एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर रन करने वाला है। चलिए फाइनली इस फोन के प्राइस को लेकर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज 6128 वाले वेरिएंट के लिए आपको 27,000 रुपए पे करने होते हैं एंड 8128 वाले वेरिएंट के लिए आपको 29,000 रुपए पे करने होते हैं। 6,500 रुपए का आपको टोटल डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। 5,000 रुपए का आपको प्रीपेड डिस्काउंट मिलता है अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट और डेबिट कार्ड है तो। एंड अगर आपके पास सिटी बैंक का भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड है तो आपको 1000 से 1500 का अलग से डिस्काउंट मिलता है जिसके बाद आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको 20,000 की कीमत के अंदर देखने को मिल जाता है। तो 20,000 की कीमत में आपको बहुत ही अच्छे लेवल के स्पेक्स और एक अच्छा परफॉर्मेंस निचोड़ कर ये स्मार्टफोन आपको दे जाता है। बाकी गाइज यही थे अभी के टाइम में आने वाले टॉप 4 अल्टीमेट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन जो आपको 20,000 की कीमत के अंदर देखने को मिल रहे हैं। एंड चलते चलते गाइज आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस गांव, किस शहर, किस देश से देख रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को और पर जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए गाइज मैं मिलता हूँ इंटरेस्टिंग और मजेदार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।